पढ़ दूंगा भैया। क्या है नेटवर्क में क्या है बाहर से सिंगर लोगों को हाईलाइट करना है। हम लोग कौन पहचानता है? प्रियंका हम लोग के गोपालगंज जिले की है। बताइए और क्या नहीं जानते हो? संगी छलक कता हमारो जवानिया एक राजा ऑप्शन मैं अपना मुंह नहीं दिखा रहा आज मुंह नहीं रहेंगे क्या चश्मा के साथ में जी दोस्तों नमस्कार। आज अपनी फिल्म काहे प्रीतिया लगौलो, जी हाँ फिल्म काहे प्रीतिया लगौलो का गाना रिकॉर्डिंग हुआ और यहाँ पे आई हुई हैं दो महान सिंगर जी। हमारी हैं पामेला जैन जी और प्रियंका जी भी। प्रियंका सिंह जी हैं छलका तो हमरो जवनिया वाली जो आप देखिए। चलिए वैसे तो प्रियंका हमारी लड़की का नाम है, बड़ी बेटी हुई है। तो दूसरा क्या है भाई, बेटी बनाई है तो बहन बनाई है, शादी तो हमारी हो चुकी है। भाई बात हाँ, दो ही रिश्ता चलता है, माँ वाले तो कोई है नहीं कि माँ बनाया जाए। तो बड़ा बढ़िया आज माहौल है। हमारी दीदी हैं पामेला जैन जी, जो हिंदुस्तान के सारे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ इन्होंने काम किया है, बड़े बड़े फिल्मों जैसे प्रीतम से लेके आ रहमान तक। तो मेरा तो सौभाग्य रहता है, ये पहला गाना नहीं है, बहुत सैकड़ों गाने इन्होंने गाया है, इनका आशीर्वाद है, इनकी कृपा है और मेरा सौभाग्य है। तो हम लेकिन हम दो लाइन आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, या तो इस गाने को सुनाइए, पब्लिक देख रही है आपको। और संजोग से सानुदा के स्टूडियो में आज नेटवर्क पकड़ लिया, यहाँ दरवाज़ा खोल के रखे हैं, बाहर से लेके आए हैं, उधर से नेटवर्क खींच के लेके आए हैं। दो लाइन आप सुनाइए, आज जो गाना हुआ है वहीं सुना लीजिए, कोई बात नहीं। अखियां लड़ल बैल तोहरे से प्यार बा, अखियां लड़ल बैल तोहरे से प्यार बा, जिंदगी में हमरा कमी बा तोहार बा, जिंदगी में हमरा कमी बा तोहार। चलिए थोड़ा बहुत चलता है, बहुत बढ़िया। चलिए बड़ा अच्छा गाना आज है, बहुत अच्छा गाई भी है। और आपके बगल में प्रियंका सिंह जी बैठी हुई हैं, और कॉपीराइट का मामला नहीं, आप पुराना गीत अपना जो हिट है वही सुना दीजिए, छलका था हमरो वाला, क्योंकि उस गीत से आपको काफ़ी शोहरत मिली फिल्म इंडस्ट्रीज में। उस लाइन गाना को एक लाइन सुनाइए, आज आप गाना गाने आई हैं इस फिल्म के लिए, काहे प्रीतिया लगौलो, तो एक लाइन सुनाइए उस गाने को। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह। वो समझ रहे हैं लोग, बताने की जरूरत नहीं। आज मैं यहाँ पर काहे प्रीतिया लगौलो इस फिल्म का गाना रिकॉर्ड करने आई हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ बॉलीवुड की, और हम कह सकते हैं कि हॉलीवुड बॉलीवुड नहीं, कोशिश चल रही है अभी, प्रयास चल रहा है, इंग्लिश गानों का प्रैक्टिस चल रहा है अभी। जैन जी और मैं खुद भी इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ,
पहले, और अक्सर मुझे लगता है स्टूडियो में मुलाकात भी होती रहती है। और आज जो गाना मैं गाने वाली हूँ वो अभी फिलहाल मैंने गाया नहीं है, इसके लिरिक्स कंपोजिशंस मुझे याद नहीं है, बट मैं दो लाइन अपना गाना सुनाती हूँ आपको। अभी रिसेंटली मेरा एक सॉन्ग आया है जो मैंने पर्सनली अपने एल्बम में गाया है, वो दो लाइन आपको सुनाती हूँ। और जो कल ही रिलीज़ हुआ है, जो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, प्रियंका सिंह पीएस चैनल है मेरा यूट्यूब चैनल, तो उस पर कल रिलीज़ हुआ है उसका ट्रेलर, वो मैं दो लाइन सुनाती हूँ। सुनाइए। प्यार ना दिल से ना होला दिमाग से, प्यार ता बस इत्तेफाक से होला, बाकी प्यार के बदले प्यार ही मिले, इता बस के हूं के साथ होला, कैल न जाला प्यार प्यार ता हो जाला, कैल न जाला प्यार प्यार ता हो जाला। ये सॉन्ग है और सबसे बड़ी बात है कि नहीं मेरे चैनल पे भी आपका पूरा गाना नहीं है, सुनिए पहले। नहीं, वो आपके चैनल पे भी ये मुख्य मात्र शूटिंग हुआ है प्रॉपर, और मुखड़ा ही है उसमें जी, वो जितना गाई है उतना ही गाना शूट हुआ है, पता नहीं तरसाने वाली बात है। पूरा सॉन्ग भी है, ये बस ट्रेलर है, टीजर है, जो टीजर है, और सॉन्ग भी है उस पे, तो आप लोग सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच। और फिल्म के डायरेक्टर है मेरे बड़े आदर्श अनिल अनल जी, बड़ा प्रसन्न दिख रहे हैं आज क्योंकि लड़कियों का सिंगिंग हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं लड़कियों को आवाज देखे गाने में तो गायकी तो लेडीज गाई, तो क्या कहना चाहेंगे आज अपने? मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों की जो फिल्म है, जो पहले हम लोगों ने अनाउंसमेंट की थी ऐसी लागी लगन जी, किन्हीं कारणों से वो टाइटल हम लोगों को नहीं मिला, और जो टाइटल हम लोगों को मिला है उसका नाम है काहे प्रीतिया लगौला। बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग इसी पे डिटरमाइंड होकर इस टाइटल को आगे बढ़ा रहे हैं इस फिल्म के लिए। फिल्म के लिए देखिए आपको पहली बार डायरेक्शन दे रहे हैं, बड़ा एक्साइटेड है फिल्म को लेके आप? जी जी, मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ कि इंडस्ट्री में मुझे भी सिल्वर जुबली से ऊपर होने जा रहा है। क्या बात है। और फिल्म का तो बहुत सारा अनुभव आपको है, किया है। हाँ जी। और मेरी लास्ट मूवी थी बलमा विहार वाला, खेसारी लाल के गुरु का रोल था, उसमें मेरे ऊपर गाना था मच्छरदानी था, जो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में हिट हुआ था। तो मच्छरदानी के अंदर आप ही थे? हाँ, मच्छरदानी के अंदर मैं ही था। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा कि फिल्म को जो है डायरेक्ट किया जाए, और भोजपुरी सिनेमा में मतलब मेरी एक अच्छी पकड़ है, मैं बिहार जो बड़ी कृपा है आपके इस फिल्म के जो मुख्य अभिनेता हैं दिनेश मधेसिया जी, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? दिनेश मधेसिया के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये इंडस्ट्री में एक नया उबाल और नई एक उछाल लेकर हीरो, बड़ा जुनून अंदर है इनके, और इनके अंदर एक जुनून है हीरो बनने का। और कमियाँ तो हर इंसान में होती हैं, इंसान कभी कोई पूरा नहीं होता है, और इनकी सारी कमियों को ताक पे रख के और एज ए हीरो हम इन्हें लॉन्च कर रहे हैं, बाकी पब्लिक के हाथ में सारा चीज है। क्या कहना चाहेंगे दिनेश जी आप इतना आशीर्वाद प्यार मिल रहा है लोगों को? नमस्कार, भोजपुरी भाषा को जानने समझने वाले सभी भोजपुरी समाज को हम प्रणाम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, सबका प्यार दुलार मिल रहा है यहाँ पे। कोशिश करेंगे कि हम अपने वर्क के ऊपर खड़ा उतरे, और अच्छा सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ आज, बहुत अच्छा हुआ। आज खुश जी के, पहले थोड़ा नर्वस थे आप, लेकिन काफ़ी सुंदर सॉन्ग। और दूसरा सॉन्ग प्रियंका सिंह जी जो हमारे जिले की हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। और काफ़ी अच्छे कलाकार यहाँ पे, अखिलेश दुबे जी आए हैं, इनका भी गाना रिकॉर्ड हुआ है, बड़ा अच्छे मिजाज में एकदम अतुला खान की तरह गाना गाए आप। नहीं, सब आपका आशीर्वाद है भैया, और यहाँ पे तो सभी कलाकार बैठे हैं, सरस्वती के वरद पुत्रियों में हमारी बहने के रूप में प्रियंका जी को हम लोग टीवी में देखते थे, आज साक्षात देख रहे हैं, सौभाग्य की बात है। आपको भी कभी टीवी में देखते नहीं, देखियो तो ऊपर वाले कृपा जब होगी। नहीं सब हमारे, और आपके गीतकार जो है बड़े अच्छे, गीतकार तो बहुत कलाकार हैं हमारे, बहुत कलाकार हैं, बांध के रखे हमको किधर जाने की रस्सी से। तो और भैया सबसे बड़ा आशीर्वाद तो आपका है ना? नहीं मेरा है, मैं तो बस मजदूर हूँ, काम करता हूँ। अनुज जी आप भी दो लाइन सब बोलिए कुछ भी।
बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग हुआ है भैया और अच्छा रिकॉर्डिंग कराया है आपने। बस हमारा एक सॉन्ग जो आपने पहले रंजन दुबे का रिकॉर्ड, हाँ वो तो बड़ा गर्दा मचाया है। हाँ वो काफी हिट हुआ है, आशा करते हैं कि ये सॉन्ग भी आपके आशीर्वाद। आप तो गीतकार के साथ साथ लेखक संवाद भी लिखना शुरू कर दिए हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग, बस देखते हैं आगे क्या होता है। और आपके बगल में ये भी बहुत अच्छे सुरीले सिंगर हैं, ये सानू दा के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हुआ, सानू दा जी साईं उनके बड़े अच्छे फैन हैं। हाँ। सुरेंद्र विश्वकर्मा जी, जी हाँ, क्या क्या कहेंगे, दो लाइन बताइए आप, कैसा लग रहा है जी? आप सबको पहले बात नमस्कार, और हमारे दामोदर सर जी ने बहुत ही सुंदर म्यूजिक दिए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। पिछली बार भी हमारा एल्बम बहुत अच्छा था और अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे, और आज सानू जी के यहाँ स्टूडियो में पहला मतलब बहुत अच्छा ही गाना गाए, भी बहुत अच्छा है और यहाँ पे बहुत से कलाकार आए हैं, अच्छा लगा मुझे यहाँ पे गाकर, आपसे मुलाकात भी हुआ। और भी सिंगर हैं यहाँ पे, समय बड़ा कम है, नेटवर्क कभी भी भाग जाएगा, तुरंत बोली जल्दी जल्दी। बस मैं यही बोलूंगा कि ये बहुत अच्छी फिल्म है और इसमें सभी बड़े अच्छे गायकारों ने कल आपसे गाना गवा रहे हैं जी, टाइम दीजिएगा तब, ठीक है ना? और आप भी तो नमस्कार, चंदन पांडे, जितने भी भोजपुरिया समाज है सभी को हमारे तरफ से प्रणाम, और काहे प्रीतिया लगौला के जितने भी कलाकार हैं पूरी टीम के तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और आज गाना रिकॉर्ड भइल, बहुत अच्छा लगल, सुपर डुपर हिट। आज भोजपुरी फिल्म के हीरो से भी ज्यादा सुंदर दिख रहे हैं। हाँ। ऐसा है, हाँ, आप लोग का आशीर्वाद रहा तो एंट्री जरूर मारेंगे। हाँ, एंट्री मारे। तो चलिए, और हमारे स्टूडियो रिकॉर्डिस्ट हैं सुरवे जी, सुहास सुरवे जी, तो बड़ा अच्छा माहौल रहा आज। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद यूँ ही मिलता रहे। और आज मैं लाइव भी सीधा करके मोबाइल लिया हूँ। और दिन ऐसे कर लेता हूँ, तो इसमें कमेंट ज़्यादा आता है, बहुत सारा कमेंट आया। शांतनु शुक्ला जी, धर्मेंद्र सहनी, अनिल आर शर्मा जी, क्या बात है सिंगर। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा नाम नहीं ले पाएंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रहा है, समय बड़ा, सिंगर लोगों के पास समय बहुत कम है। प्रियंका जी के पास 3 रिकॉर्डिंग इसके बाद है, तो और दीदी हमारी है वो रिकॉर्डिंग करती रहती है। चलिए ठीक है, तो चलिए थैंक यू। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम लोग। ओके, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।